आज के वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको ट्रेन का टिकट कैंसिल करना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुद से ट्रेन का टिकट कैंसिल करना नहीं आता है। आप यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरीके से आप खुद से मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से आप ट्रेन का टिकट कैंसिल कर सकते हैं घर बैठे। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोज़ाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना या किसी का ट्रेन का टिकट कैसे कैंसिल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक टिकट में चार पांच आदमी का टिकट बना लेते हैं और उसमें से कोई पर्सन जो है नहीं जाना चाहता है कि बोलता है भैया हम नहीं जाएंगे, मेरा टिकट कैंसिल कीजिए, जबकि चार पांच आदमी का टिकट एक ही में बना हुआ है। तो आप उसको कैसे कैंसिल करेंगे और बाकी आदमी का टिकट भी कैंसिल नहीं होगा, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से अगर आप चार पांच आदमी एक ही टिकट में बनाए हुए हैं, अगर आप का कोई भी फ्रेंड बोलता है कि हम नहीं जाएंगे तो उसका आप टिकट कैंसिल कैसे करेंगे और आपका टिकट भी कैंसिल नहीं होगा और उसका टिकट कैंसिल होगा हो जाएगा जो पर्सन आपका फ्रेंड नहीं जाना चाहता है। तो वो आपको कैसे टिकट कैंसिल करना है ये देखने के लिए ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से ट्रेन का टिकट कैंसिल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेन का टिकट कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है irctc.co.in। जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग किया तो यहाँ पे आ चुका है, मैं इस पर ओके करूँगा। जैसे इस पर आप ओके करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर ओके वाले पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको पहले करना क्या है, लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा आप इसके अंदर होगा। यहाँ पर आपको कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश कर लेना है। दो बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा कैपिटल में है तो कैपिटल में और स्मॉल में है तो स्मॉल में आपको एज इट इज डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ साइन इन वाले पर क्लिक कीजिएगा। साइन इन करते यहाँ पर देखिए कि आप इस पर लॉग इन हो चुके हैं और इस पर आप कैसे अकाउंट बनाएंगे इस पर मैं पहले वीडियो बना रखा हूँ, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा या आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको यहाँ से टिकट कैंसिल करना है तो यहाँ पर देखिए माय अकाउंट है, आप इस पर जैसे कर्सर रखिएगा आप सामने कुछ इस तरीके से ये हाईलाइट होके आ जाएगा ये ऑप्शन। आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलता होगा माय ट्रांजेक्शन का, तो यहाँ पर माय ट्रांजेक्शन वाले पर आप जैसे कर्सर रखिएगा इस साइड में भी आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि बुक टिकट हिस्ट्री आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जो भी टिकट बुक किए रहिएगा वो आपके सामने में यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि ये 18 जुलाई का टिकट है और यहाँ पर देखिए पहुँचाने का ये टाइम है और ये पटना पहुँचाएगी और न्यू दिल्ली से है। इसको मैं आपको कैंसिल करके बताऊंगा लाइव। तो इस यहाँ पे जो है बुक है इस वाले आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो टिकट है यहाँ पे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे देखिए पूरा आपका टिकट आ चुका है, ये नाम हो गया पैसेंजर का। यहाँ पे टिकट देखिए कन्फर्म है, ये भी टिकट कन्फर्म है और ये आपका देखिए कोच है D1 और यहाँ बर्थ है, ठीक है, और ये आपका पूरा हिस्ट्री आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये पैसा हो गया जो है यहाँ पे 627 रुपया और 70 पैसा, मतलब 7 पैसा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि आपका है टिकट कैंसिल का है, कैंसिल टिकट। यहाँ पे PNR चेक कर सकते हैं, यहाँ पे NOSV बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ SMS प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ चेंज बोरिंग पॉइंट भी कर सकते हैं, यहाँ जो है फूड के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अब अगर खाना लेना चाहते हैं तो यहाँ भी टिकट बिना कैंसिल किए भी इसी पर ऑर्डर वाले भी क्लिक कीजिएगा तो आपको ये बुक हो जाएगा और आप जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पर आपका जो है फूड लेके आ जाएगा, जो ट्रेन में जो होते हैं फूड बेचते रहते हैं वो। यहाँ से बस बुक भी आप कर सकते हैं। तो टिकट कैंसिल करने के लिए यहाँ टिकट कैंसिल वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ये टर्म एंड कंडीशन एक बार इसको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद यहाँ ओके वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगा। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका पूरा यहाँ पर बायोडाटा यहाँ पर आपका ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर दो पैसेंजर यहाँ पर है मेरा, तो यहाँ पर दो पैसेंजर आ चुका है। तो अगर हम एक को
कैंसिल करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से हम एक वाले पर टिकट करके यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम दोनों का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से हम दोनों को कैंसिल टिक करके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको एक ही करना है तो इस तरीक़े से हम एक कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास कमेंट भी आया हुआ था कि हम मेरे पास दो तीन टिकट है तो हम कोई पर्सन जो है मेरा फ्रेंड है वो नहीं जाना चाहते हैं और हम जाना चाहते हैं, तो क्या हम उसका टिकट कैंसिल कर सकते हैं अपना छोड़ के? तो यहाँ से मैं उसको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप तीन चार पर्सन एक साथ टिकट बना रखे हैं एक ही में, तो जो भी पर्सन नहीं जाना चाहता है तो उसका टिकट जो है आप कैंसिल कर सकते हैं, अपना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ इस तरीक़े से, जिसको भी आपको अगर पर्सन को नहीं जाना है इस तरीक़े से टिक कर दीजिएगा तो इसका कैंसिल हो जाएगा और इसका कैंसिल नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ये बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस तरीके से आपका देखिए ट्रांजेक्शन हो गया, ट्रेन का नंबर हो गया, डेट हो गया, यहाँ क्लास हो गया, यहाँ पर देखिए कि आपका है कॉन्वर्सेशन फीस जो है इतना रुपया है, और यहाँ पर देखिए चार्जिंग स्टेटस आपका यहाँ पे जो है चार्टिंग स्टेटस मतलब चार्ज जो है अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इस साइड में आपका पूरा जो है PNR नंबर आता है, कौन सा ट्रेन वो आ जाता है, यहाँ पे कहाँ से खुलेगी वो आ जाता है और कहाँ तक जाएगी। इसे बोर्डिंग डेट यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ बोर्डिंग डेट जो हुआ था 27 मई को, और कोटा जो अभी ये है और तत्काल चार्ज ये है, और यहाँ पे कौन सा बैंक से पैसा कटाया गया था वो यहाँ पे आ जाता है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपका पूरा बायोडाटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से आपको क्या करना है, कैंसिल टिकट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन या यहाँ पर आपको मिल रहा है, डू यू वांट टू प्रोसेस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, यहाँ ओके वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है आपका, और यहाँ पर देखिए कि रिफ़ंड जो होगा आपको 490 रुपया रिफ़ंड होगा, और यहाँ पे जो है आपको कैंसिलेशन चार्ज 120 रुपया काट रहा है, ठीक है। बुकिंग अमाउंट हुआ था यहाँ पे 610, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपको टिकट चार्ज लगा था, यहाँ पे आपको जो है बैंक से कटा था पैसा कुछ मिला के, तो वो आपको यहाँ पे हो गया था 610, और यहाँ पे आपको सर्विस चार्ज वगैरह काट के यहाँ पे 627 रुपये हुआ था। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन चार्ज आपको 120 रुपया आपको आपके अकाउंट में से कटेगा, और आपको रिफ़ंड जो होगा 490 रुपया आपको रिफ़ंड यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि आप जो है टिकट कैंसिल करने के बाद आप जो है इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में निकालना चाहते हैं या हिंदी में, वो आपको यहाँ से देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रिंट कैंसिल रिसिप्ट, मैं इसको कैंसिल करके रिसिप्ट निकालूँगा तो इंग्लिश में निकलेगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कैंसिल करके यहाँ पे रिसिप्ट करूँगा तो ये हिंदी में जो है वो निकल जाएगा, तो मैं इंग्लिश में निकालूँगा। यहाँ पर देखिए मेरा जो है चार्ज यहाँ पे कितना 120 रुपया कट रहा है, ठीक है। तो आपको 48 घंटा से पहले पहले टिकट को कैंसिल कर लेना है, नहीं तो आपको ज़्यादा चार्ज कटेगा, ठीक है। तो आपको 48 घंटा के से ज़्यादा पहले पहले आपको टिकट को क्या करना है, कैंसिल कर लेना है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से टिकट को कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट कैंसिल रिसिप्ट, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे इसमें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और ये जो मेरा टिकट यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो कन्फर्म था टिकट, ये जो है मेरा कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि आपके ऊपर में आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक कैंसिलेशन स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्लिप भी मिल चुका है, आपका टिकट जो है कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो है डेट ऑफ कैंसिलेशन जो किए हैं वह 16 जुलाई है, तो आपको इतना बजे आप कैंसिल किए हैं वो आपके यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि आपका बुकिंग स्टेटस जो था वो कन्फर्म था, जैसे मैं आपको पहले दिखाया हूँ। अब यहाँ पर देखिए करेंट स्टेटस, यहाँ पर आपका कैंसिल दोनों टिकट आपका कैंसिल हो चुका है। इस तरीके से आपका टिकट जो है बहुत ही आसानी से आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। एक आदमी हो 10 आदमी हो उसको आप यहां से कैंसिल कर सकते हो। आप इसको प्रिंट आउट निकालने के लिए यहां प्रिंट वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आप इसको प्रिंट निकाल के अपने रिकॉर्ड के लिए रख लीजिए, क्योंकि ये आपको काम आएगा। या आपके पास कोई कस्टमर आता है, अगर आप शॉप चला रहे हैं तो उसको आप ये निकाल के दे दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टिकट, इस तरीके का टिकट करके आप यहाँ पे इसको PDF में ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो उसे PDF में रहने दीजिए। यहाँ पे सेव करके इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा टिकट जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। सो गाइस, इस तरीके से है बहुत ही आसानी से आप जो है टिकट IRCTC का अपना
कैंसिल कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से ट्रेन का टिकट कैंसिल करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।